हाँ प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर, आज का हमारा टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। हिंदी में इसे कहेंगे अजलीय विलायक। बच्चों, सॉल्वेंट माने विलायक होता है हिंदी में, सल्यूट माने विलेय होता है और सल्यूशन माने विलयन। सॉल्वेंट सल्यूट को डिजॉल्व करके सल्यूशन बनाता है, यानी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सल्यूशन। प्यारे बच्चों, अभी हम कोई भी सल्यूशन बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम अक्सर वाटर पानी का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हमको चीनी का शरबत बनाना हो, चीनी का सिरप शरबत, तो कैसे बनाएंगे? पानी लेंगे, एक बर्तन में थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे और घोल देंगे, तो हमको चीनी का शरबत मिल गया, यही है विलयन। अब बच्चों, यहाँ क्या हुआ? पानी ने क्या किया? चीनी के अणुओं को घोल लिया, अपने अंदर घोल लिया। तो पानी यहाँ क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट है। और चीनी यहाँ क्या है? विलेय है, सल्यूट है। लेकिन बच्चों, विलायक की वास्तव में डिफिनेशन क्या है? जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में हो उसे विलेय कहेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे अभी हम 5 लीटर पानी ले लें और उसमें हम 10 ग्राम चीनी डालें, तो बच्चों 5 लीटर पानी है तो पानी ज़्यादा है, इसलिए पानी यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। और बच्चों चीनी 10 ग्राम है, ये कम है, तो ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये सल्यूट है, विलेय है। यानी यहाँ पानी ने क्या किया? चीनी को घोला है, पानी ने चीनी को घोला है। अब बच्चों, यदि हम एक बोरा चीनी ले लें, एक कुंटल चीनी ले लें और उसके ऊपर एक लोटा, एक गिलास पानी डाल दें, तब यहाँ परिस्थिति बदल जाएगी। अब यहाँ जो भीगी हुई चीनी मिलेगी, भीगी हुई, तो यहाँ पे चीनी क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट। यहाँ चीनी विलायक हो गया और पानी यहाँ क्या हो गया? विलेय, सल्यूट हो गया। यहाँ पर चीनी ने पानी को घोला है, क्योंकि चीनी ज़्यादा मात्रा में थी इसलिए इसको सॉल्वेंट कहेंगे, और पानी कम मात्रा में थी इसलिए इसे सल्यूट कहेंगे, विलेय कहेंगे। प्यारे बच्चों, वैसे जनरली सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कई सॉल्वेंट का नाम सुना होगा, कई विलायक का नाम सुना होगा, लेकिन जलीय विलायक एक्वस सॉल्यूशन केवल एक ही है, उसको कहते हैं, या एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट जलीय विलायक केवल एक ही है, उसका नाम क्या है? वाटर, पानी। और बच्चों, पानी को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, इसके अलावा जितने सॉल्वेंट हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा पानी के बारे में बता दें, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। पानी में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छा इसके सर्वोत्तम विलायक माना गया है। इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। एक कारण है बच्चों, ये हमारे नेचर में, प्रकृति में प्लेंटीफुल ऑकरेंस इसका है, अधिक मात्रा में पानी हमारे
प्रकृति में पाया जाता है। दूसरी बात बच्चों, ये चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, काफ़ी संख्या में लार्ज नंबर में जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये डिजॉल्व करता है, घोलता है। तीसरी बात है बच्चों, ये नॉन पॉइजनस नेचर का है, मतलब ये जहरीला नहीं है, इसलिए इसकी हैंडलिंग आसानी से हो जाती है। हम हाथ से छू लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बहुत से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसके कारण इसको सर्वोत्तम विलायक माना गया है। सर्वोत्तम विलायक, एक्सीलेंट सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है, इसका डाइपोल मोमेंट अधिक है, इसकी आयोनाइजिंग कैपेसिटी अधिक है। अब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखेंगे नियर अबाउट 78.5, 78.5 है बच्चों। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाले टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। 0 डिग्री से कम पर सॉलिड स्टेट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर स्टेट में चेंज होता है। तो ये तीनों स्टेट में वाटर पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन ज़्यादातर प्रायः पानी हमारा लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में ये वाटर पाया जाता है। तो अब बात आती है वाटर के बारे में, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ वाटर को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, बाकी जितने सॉल्वेंट हैं, विलायक हैं, उनको क्या कहेंगे? उन्हीं को कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक। अ माने नहीं, नहीं जलीय, यानी जल को छोड़ दीजिए बाकी सारे विलायक। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। अब प्यारे बच्चों, हम इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के, कुछ सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, लिक्विड हाइड्रोसाइनिक एसिड, लिक्विड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसी प्रकार फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथेनॉल, एथेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल, आइसो प्रोपेनॉल, एसीटोन, डाइएथिल ईथर, डाइऑक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टालुइन, डीसीएम, डीएमएफ, टीएचएफ, डीएमएसओ,
एक्सेट्रा। बच्चों अभी और भी बहुत से हैं, ये आपके जो सामने हमने पेश किया है, लिखा है एग्जांपल्स, ये हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। प्यारे बच्चों अब इसमें जैसे डीसीएम मैंने लिख दिया, डीसीएम का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म हुआ डाई क्लोरो मेथेन। और बच्चों डीएमएफ, इसका फुल फॉर्म है डाई मेथिल फार्मेमाइड। बच्चों टीएचएफ, इसका फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। बच्चों डीएमएसओ, इसका फुल फॉर्म है डाई मेथिल सल्फोक्साइड, डाई मेथिल सल्फोक्साइड। आगे बढ़ें बच्चों इसे